सिली मिस्टेक डर की वजह से हुई, तो डर को निकालिए। अपने अब तक जितने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो कितने हज़ारों क्वेश्चन से गुजरे होंगे, ये सोचिए कि उससे हटके और क्या पूछ लेंगे, ये और क्या पूछ लेंगे उससे हटके। सिली मिस्टेक का एक और रहता है आप गड़बड़ करेंगे, तो गड़बड़ का एक पैटर्न यहाँ पे बताए हैं कि भाई टाइम को कैसे करना है। मेरा एक मशवरा है सबको लेने की उसमें ज़रूरत नहीं है, जिसका पैटर्न सेट हो गया वो उसको चेंज ना करें। फॉर एग्जांपल बायो के लिए 70 मिनट्स का टाइम है मिसाल के तौर पे, तो तय कीजिए कि आप उसको 55 मिनट्स के बाद बायो को छोड़ देंगे, जितने भी क्वेश्चन हुए नॉर्मल मोड में 15 मिनट उसके लिए बाजू कर देंगे, फिर आप फिजिक्स पे चले जाएंगे या जो भी केमिस्ट्री पे चले जाएंगे, उसका जो टोटल टाइम अलॉटेड है उसमें से 5 मिनट 7 मिनट छोड़कर उससे पहले वो पेपर को बाजू कर देंगे, फिर केमिस्ट्री पे जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले बायो का एक पेपर बहुत लेंदी आया और बच्चों ने बायो में इतना टाइम लगा दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम नहीं मिला। इससे ये होगा कि सबको अपना अपना टाइम मिल जाएगा और लास्ट का एक 15 मिनट 20 मिनट का स्लॉट बचेगा, उसमें जो 2-3 क्वेश्चंस आपने रोक दिए थे छोड़ दिए थे उस पर दोबारा आप जाएंगे उनको कर लेंगे, तो गड़बड़ नहीं होगी, उससे सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो सकती है, आपके फैकल्टीज़ ने आपको बताया छोटी छोटी मिस्टेक्स, पेन कौन सा साथ में रखना है, 1 से 2 पेन साथ में रखना है, ड्रेस कोड का क्या मामला है, आपको कितने बजे पहले पहुंच जाना है, सेंटर को पहले से देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक स्टूडेंट ऐसी बैठी है कि जिसकी बड़ी बहन ने 3 साल पहले एग्ज़ाम दिया था और उस साल देखिए वो हिजाब का बहुत बड़ा इशू हुआ, वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थी, बहुत उम्मीद था कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इतनी घबराहट हुई वो चेकिंग में इसमें उसमें कि उसने मोर देन 50% अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो ये जो आपकी साल 2 साल की जो मेहनत है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ख़राब कर सकती है। आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, गेट ही नहीं मिल रहा है किस तरफ से एंटर होना है, तो जो घबराहट होती है मेरा टाइम ख़राब होगा मैं जल्दी पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगी, ये चीज़ें पूरे साल की तैयारी को डैमेज कर देती है, तो इनका ख़ास तौर से ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी मेहनत का वक्त था वो गया, उसमें जितना आप कर सकते थे आपने किया, अब यहाँ पर बचे हुए टाइम में अफसोस अगर करने बैठेंगे कि क्या छूट गया उसका, अगर आप अफसोस लेके जहन में बैठेंगे कि अरे मैं ये नहीं कर पाई, अरे मैंने वो पढ़ लेता तो क्या होता था, तो अब फ़ायदा है उसका कोई? अच्छा उसका नुकसान क्या होने वाला है कि जितना किया था वो भी डैमेज हो जाएगा, तो अफसोस वाला पार्ट अब यहाँ बचा नहीं है। तो जो चीज़ हाथ से चली गई अब चली गई, जिसका किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से कम तैयारी हुई होगी, किसी की यहाँ असल में अजानें और भी अलग अलग टाइम पर होती है, तो हम किसी आगे की अजान पर उसको वो कर लेंगे जब तक इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे, इसलिए मैं रुका नहीं। तो ये है कि जो किसी भी वजह से कोई बीमारी आ गई थी, कोई और वजह से आपकी तैयारी कम हो गई थी, तो अब वो उसके बारे में अगर सोचते बैठेंगे तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो ये बचे हुए 2-3 दिनों में अब पैनिक किसी भी चीज़ को लेकर आप नहीं कर सकते। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इन्हीं की तरफ से आई है, मैं उसको सिर्फ हमारे अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ लेकर जाता हूँ। इस्लाम की सबसे जो पहली जंग थी वो बदर थी, जंगे बदर थी। जंगे बदर का पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बेसिकली तैयारी का सिस्टम सिखाता। प्रोसेस क्या था, आप सलम जो है जंग शुरू होने से काफ़ी पहले मैदान में पहुंच गए, मैदान को विज़िट कर लिया, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ जाके खड़े होना है, तो जहाँ जाकर जंग लड़नी है, जहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, उस एरिया का एक जायज़ा ले लिया। फिर उसके बाद जितने अपने पास रिसोर्सेस मौजूद थे, डंडे थे, तलवारें थी, घोड़े थे, जो कुछ था उसका एक ओवरऑल जायज़ा ले लिया, क्या मेरी स्ट्रेंथ और मेरी किस स्ट्रेंथ को कैसे अप्लाई करना है वो प्लान कर लिया, और फिर लोगों को खड़े कर दिया। फिर तीसरा स्टेप ये किया कि पूरा प्लान सबको समझा दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा कल जंग होने वाली है, हम यहाँ खड़े रहेंगे, पहले ये अटैक करेंगे, फिर वो अटैक करेंगे, फिर ये लोग उसका डिफेंड करेंगे, इस तरह का पूरा सिस्टम समझा दिया। पूरा प्रोसेस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो ये है कि फिर आप रात में दुआ में बैठे, और जो जुमला है आपका वो हमारे किसी भी कंपटीशन का, किसी भी एग्ज़ाम का दुआ का जो पार्ट है वो फिर सेंस कि अल्लाह जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया, जो मेरे हाथ में था मैंने तेरे सामने ला के रख दिया, जो वो किताबें पढ़नी थी हमने पढ़ लिए, जितने लेक्चर्स अटेंड करने थे हमने कर लिए, जितने मॉक टेस्ट हमने देने थे दे दिए, अब उसके बाद कल तेरे हवाले। वो चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठें 5 तारीख को तो अच्छे से 1-2 रकअत अलग से नमाज़ पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे कि साल भर 2 साल जो कुछ हमने मेहनत की, बहुत से लोगों ने एक तरह का एहतिकाफ़ किया होगा, घरों से आकर हॉस्टल में बैठे हैं या पूरे दोस्त कट गए हैं, कोई बाज़ार नहीं, कोई ईद नहीं, कुछ नहीं, ये सबसे गुजरे हैं ना, तो जो करना था अल्लाह हमने किया और अब यहाँ जो दे रहे हैं इसमें मदद फरमा, जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं और इसके बाद हमारे इस रिज़ल्ट को हमारे लिए जो बेहतर है वो कर, हम क्या दुआ मांगते, जो हमको होना वो दे, वो दुआ ये होती कि जो हमारे लिए बेहतर है वो तू कर। अब अल्लाह तय करेगा हमारे लिए बेहतर नीट में क्या मार्क्स लेकर आना है,
हमको एम्स से पढ़ना है या ज़िंदगी में कुछ और करना है। मिसाल के तौर पे हम मैं भी चार दिन पहले दिल्ली में अब्दुल खदीर साहब के साथ था, तो उन्होंने किस्सा सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दो लड़के थे जिन्होंने ट्वेल्थ आर्ट्स में फ़ेल हुए, ट्वेल्थ एग्ज़ाम में आर्ट्स में फ़ेल हो गए। वालिद परेशान थे क्या करना, तो उन्होंने बोले दोनों को भेज दो हमारे साथ। तो दिल्ली का एडमिशन लेवल जो है मार्क्स लेवल बहुत हाई होता है, 95-96% एंड अबव के एडमिशन्स होते हैं, साउथ में कंपेयर हो जाते हैं। उन्होंने कर्नाटक लेकर गए और 11th साइंस से रिपीट करवाया। उन्होंने बीच का कोई प्रोसेस नहीं बताया, बस आज की स्टेज बताई उनकी क्या है। जो 12th आर्ट्स में फ़ेल हो गए थे उसमें से एक लड़का यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर का प्रोफेसर है और दूसरा लड़का उन्हीं के इंस्टीट्यूट में 7,000 बच्चों के सेटअप का प्रिंसिपल है। तो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत अच्छी स्टेटस होगा, लाइफ एजुकेशनल इज्जत के एंगल से देखें तो भी बहुत अच्छी इज्जत होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है, अल्लाह हमारे लिए क्या चाह रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत कर लीजिए अच्छे से, जायज़ मेहनत जितनी हो सकती है, वरना लोग मेहनत के नाम पे चीट्स वगैरह ये सब को भी प्लान में लेते हैं। तो जायज़ मेहनत जितनी करना है वो कर लीजिए, उसके बाद अल्लाह से यही दुआ मांगिए कि अल्लाह मैं तो मेरे लिए ये बेहतर समझती हूँ, तो दुआ तो ये है कि यही दे दे, लेकिन अगर इससे बेहतर तो कोई चीज़ हमारे लिए समझता है तो वो हमको दे, क्योंकि आखिर में तो उसी के पास जाके खड़ा होना है ना चीज़ों को लेकर। तो जब ये आप इस मोड में जाके एग्ज़ाम देंगे ना, तो फिर बच रहा क्या, ना रिज़ल्ट का मसला, ना किसी चीज़ का मसला। इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई मैंने कोशिश किया या नहीं किया। और इन सारे चीज़ों के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा शायद तब रिलैक्स हो जाएंगे आप चीज़ों को लेकर, और उम्मीद है कि अल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको रिज़ल्ट देगा। उसके बाद भी बहुत सारे फेज़ आते हैं, मिसाल के तौर पे जो है, तो एक चीज़ अभी अब्दुल हादी सर बता रहे थे, जैसा मलिक का नाम आया, उनके भाई जो छोटे हैं, रिज़ल्ट आता अच्छा तो बहुत से लोग अप्रोच होते, तो मलिक ने ऐसे उनसे आके कहा कि अभी लोग आके अप्रोच हो रहे हैं कि तुम्हारा रिज़ल्ट हमारे पोस्टर पे लगाने, तो हम तुमको 1,00,000 देते हैं, 2,00,000 देते हैं। तो बहुत अच्छी बात उनके घर से कही गई थी, उनके घर से उनके वालिद ने और इन्होंने उनको बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपको करना है कीजिए, अगर तुम्हारी मेहनत बिकाऊ है तो कर ली। उन्होंने बहुत अच्छा जुमला अपने भाई के या वालिद ने अपने बेटे के लिए कहा था कि साल दो साल की मेहनत अगर इतनी सस्ती है कि 4,00,000 में आप उसको बेच देंगे, और आपकी नीयत इतनी छोटी सी थी, तो करो फिर, आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अक्सर देखते हैं ना आपके वो पोस्टर में, यहाँ पे भी उनका नाम फ़ोटो, वहाँ पे भी। ये पहले मुझे पता नहीं था ऐसा, मैं समझ में नहीं आता था कि क्या मसला है, बाद में पता चला कुछ एजेंसीज़ ने कोचिंग्स को कॉन्टैक्ट कर दिए, ऐसा हमको भी कोटा से फ़ोन आया है, मेरा नंबर सर्कुलेटेड है कि सर आपको रिज़ल्ट चाहिए होगा क्या, बाद में रिज़ल्ट आने के बाद पोस्टर पर डालने के लिए। तो बाद में मालूम पड़ा कि ये एक बिज़नेस भी है, वो अब समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। तो वो जो इनकी फैमिली ने जवाब दिया, तो बहुत सूटेबल जवाब मुझे लगा कि अगर इतना मेहनत करने के बाद अभी जैसा 28,00,000 बच्चों में इतना रैंक जो जिसका इंशाल्लाह अच्छा रैंक आ जाएगा, वो रैंक आपने ला लिए और उसके बाद इस मेहनत को आपने 5,00,000-10,00,000 में बेच दिए, तो फिर आपकी मेहनत की वही लेवल है। और अगर वहीं पे जन्नत मिल जाने वाली है तो तब कर दीजिए कि 10,00,000 में जन्नत मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन पैसों में आगे क्या जवाब देने वाले हैं ऊपर जाकर, अपना वखार, अपनी इज्जत अगर 5-10,00,000 में किसी को बेच, क्योंकि वो होगा, मैं अभी से इसलिए बता दे रहा हूँ कि अब आप एग्ज़ाम के बाद शायद यहाँ वापस नहीं आएंगे जल्दी, फिर वो रिज़ल्ट के बाद आएंगे। तो और ऐसे लोग अप्रोच भी होते हैं, इनके भाई को भी औरंगाबाद की इवन कुछ कोचिंग्स ने अप्रोच किया था, तो बोले थे कि इस तरह के कॉल आ रहे हैं वगैरह। तो मैं उसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जिसको जिसको अपनी मेहनत बेचना है वो बेचे, इतने सालों की इतनी, क्योंकि बहुत सख्त मेहनत आप लोगों ने की हो, तो उसको चीज़ों को जहन में रखिए। और उसके बाद भी सारा एग्ज़ाम देने के बाद जिन लोगों को उनके हिसाब से रिज़ल्ट ना आ पाए, महसूस हो रहा है कि भाई नहीं आ रहे हैं, और तो डिस्कस कीजिए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, घर वालों से डिस्कस कीजिए, माँ बाप थोड़ा बहुत डांटेंगे लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो अल्लाह ने कहा है ना कि कुरान में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जिसको दी गई अल्लाह और रसूल के बाद, तो माँ बाप को दी गई, इसलिए कि वो अपना सब कुछ काट के दे देंगे लेकिन बच्चों का बुरा नहीं होने देंगे, नहीं सोचेंगे। तो वो आपको डांटेंगे भी तो आपके अच्छे के लिए डांटेंगे, क्योंकि उनको ये फिक्र रहती है कि इसका फ्यूचर में कोई बुरा ना हो, इसको फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो। तो हो सकता है वक्ती तौर पर डांटें, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया में लोग उससे बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बल्कि उसी शाहीन के टीम में एक तनवीर साहब बोल के अकेडमिक डायरेक्टर, तो एक पेरेंट आया एडमिशन के लिए और उन्होंने वही था कि भाई आप सर फीस थोड़ी कम कीजिए, उन्होंने काफ़ी फ़ीस कम की, नहीं और कम कीजिए, तो सर बोले, उन्होंने खर्चा रख दिया सामने, सर मैं और क्या कम करूँ बताइए। तो फिर बोले काम करो सर, आप वो बच्चे को या बच्ची को टीचर बनाओ, टीचर आज की डेट में बोले डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा है, अगर आपके जहन में सैलरी ही है तो आप टीचर बना दो, टीचर ज़्यादा कमा रहे हैं, या आप टीचर बना के हमारे पास भेजो, हम सैलरी ज़्यादा दे देंगे। तो अगर वही जहन में है पैसा, तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं जायज़ तरीक़ों से, लेकिन अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ये सोच के एग्ज़ाम दीजिए कि जितनी मेहनत हमने की थी कर ली, करना था कर ली, जो बाकी की भी प्रिपरेशन थी एग्ज़ाम सेंटर से पहले पहले वाली,
वो खाना, फिर टाइम शेड्यूल, ठीक से नींद ले लेना, सेंटर पर वक्त से पहुंच जाना, सारी चीज़ें। बहुत से लोग सताते हैं तो आपके पास वो रूल का पेज भी होना चाहिए। मैं अक्सर ये बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा लड़कियों को सताते हैं कि ये ड्रेस नहीं होना चाहिए, स्कार्फ नहीं पहन सकते, कुछ को सेंटर पे कभी कुछ सताए, तो रूल का पेज आपके साथ में रखिए, जो एनसीईआरटी का रूल का पेज है कि ये है, आप बताइए। तो वो सारी तैयारियों के बाद एग्ज़ाम दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है कोशिशों के हिसाब से, अगर आपकी कोशिशें जायज़ तरीके से हैं और आप जायज़ चीज़ें मांग रहे हैं तो वो भी देता। तो उम्मीद है कि आपको आपके मुस्तकबिल के हिसाब से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी और रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। जितना ज़्यादा आप फिक्र में हैं उतना ज़्यादा यहाँ सामने बैठे हुए लोग भी फिक्र में हैं, क्योंकि इतनी मेहनत सामने से भी की गई है। उम्मीद है कि उसी अंदाज़ से चीज़ें होगी और अल्लाह आपको अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट से नवाजेगा।